बावल में शुरू हुआ रामलीला का मंचन, गणेश वंदना के बाद प्रतिदिन होगा संचालन। बावल कस्बे के कटला बाजार में आज से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता बावल निवासी भगवान दास यादव ने बताया कि रामलीला का मंचन पिछले काफी सालों से होता आ रहा है। आज गणेश जी का पूजन बड़े विधि विधान व विधिवत रूप से पूजन व आरती करके गणेश जी का ध्यान किया गया। बावल के फल विक्रेता किशोरीलाल ने रामलीला के मंच का रिबन काटकर गणेश पूजन करके उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी कलाकार व प्रबंधन कमेटी के समस्त मेंबर उपस्थित रहे। कल 16 अक्टूबर सोमवार से रामलीला शुरू हो जाएगी, जिसमें कल श्रवण चरित्र व नारद मोह से संबंधित दृश्य दिखाए जाएंगे। इस रामलीला का आयोजन रात्रि 9 बजे से प्रभु इच्छा तक किया जाएगा, जो कि कटला बाजार में भैरू बाबा के मंदिर प्रांगण के समीप आयोजन किया जाएगा। कटला बाजार में ये रामलीला 1975 से लगातार होती आ रही है। हमेशा की तरह बावल में रामलीला का आयोजन भविष्य में भी होता रहेगा। आज शाम के समय गणेश वंदना हुई है, गणेश जी का भली भांति पूजन हुआ है, जिसमें सभी कलाकार और प्रबंधक समिति के सदस्य हाजिर रहे। और हमारे यहाँ बावल के ही एक फल विक्रेता जिनका नाम किशोरीलाल जी है, उन्होंने रिबन काटकर ये रसम अदा करी उद्घाटन समारोह में। और बहुत से कलाकार और वो समिति मेंबर वहां मौजूद थे। भली प्रकार से ईश वंदना हुई और कल 16 तारीख से श्रवण चरित्र नारद मोह का नाटक झलकी दिखाई जाएगी और इसी प्रकार से आगे लीला का मंचन होता रहेगा। टाइम 9 बजे से और प्रभु इच्छा तक। ये स्थान कटला बाजार बावल में एक काफी लंबी चौड़ी जगह है, जहाँ की हमारा कटला बाजार बावल में मंच लगा हुआ है। वहाँ पर एक भैरू बाबा का प्राचीन मंदिर भी है, उसी के प्रांगण में दर्शकगण लीला का आनंद उठाएंगे। हम लगभग 1975 से तो कटला बाजार में आ रहे हैं रामलीला का मंचन करने के लिए। उससे पहले हम बाड़े की रामलीला हुआ करती थी, दिन की आ करते थे, दिन के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक रामलीला का मंचन करते थे। उसके पश्चात हम राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी होते थे, जो भी कलाकार होते थे, बैलगाड़ियों में बैठाकर उनको गांव की फिरली पर घुमाया करते थे, सर्कुलर रोड से होते हुए और दोबारे ग्राउंड में आकर वो उतारते थे बच्चों को। तो जैसा मैंने बुजुर्गों से सुना है, ये 1947 से पहले चली आ रही है, जबकि देश आजाद था तब से ही ये रामलीला का मंचन यहाँ बावल में होता रहा है और अब भविष्य में भी होता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरा नाम भगवान दास यादव है, मैं बावल का स्थायी निवासी हूँ और मैंने इस रामलीला में रावण, दशरथ, अंगद कई रोल किए हैं और ड्रामे भी किए हैं, नाटक भी खेले हैं मैंने, जिसको कि मेरे बारे में कस्बा अच्छी तरह जानता है कि हाँ भगवान दास कौन है। को विश्राम देता हूँ और भगवान राम से वंदना करता हूँ कि हमको सद्बुद्धि दे और सुमार्ग पर प्रेरित करें।